तो सूरतना पलसाणाना तातीथैया गामे गुम थयेली बाळकीनो मृतदेह मळी आव्यो छे। पांच दिवस पहला गुम थयेली 10 वर्षीय बाळकीनो मृतदेह मळी आव्यो छे। तातीथैया गामना केदरमांथी बाळकीनो मृतदेह मळी आव्यो। बाळकीनो मृतदेह मळता अघटित घटना बनी होवानी शंका छे। जिल्ला पोलीस वडा सहितनी पोलीस घटना स्थळे पहोंचीने वधु तपास हाथ धरवामां आवी छे। वक्त कड़ोदरा पुलिस स्टेशन के तातीथैया गांव में एक 10 से 11 साल की बच्ची गुम हुई थी, जिसकी इन्फॉर्मेशन इसके परिवार वालों ने 18 तारीख को शाम को पुलिस को दी थी। और तुरंत ही एलसीबी, एसओजी और इंचार्ज डीवाईएसपी की टीम कड़ोदरा पुलिस की मदद के लिए आके यहाँ पिछले 3 दिन से 4 दिन से इस बच्ची को ढूंढने की कोशिश चल रही है। डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई थी। सारे सीसीटीवी फॉरवर्ड बैकवर्ड सब लिंकेजेस से चेक कर लिए गए थे। आज यहाँ तातीथैया गांव में एक खेतर में झाड़ियों के बीच में उस लड़की की डेड बॉडी मिली है, और डेड बॉडी की स्थिति देखते हुए वो मर्डर का भी अनुमान इसमें पुलिस लगा रही है। और बच्ची के साथ और कुछ शरीर पे इंजरी वगैरह है कि नहीं वो फॉरेंसिक पीएम के बाद पता चलेगा, और इसमें और कोई एंगल रेप वगैरह का है कि नहीं वो भी कंफर्मेशन फॉरेंसिक पीएम होने के बाद लगेगा। अगर इस तरह का कुछ भी गुनाहित दिख रहा है तो रिलेवेंट सेक्शन ऑफ आईपीसी ऐड करके पुलिस एक्यूज को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश कर रही है। संवाददाता निर्मल फोनलाइन पर जोड़ाया छे। निर्मल, सूरतना पलसाणाना तातीथैया गामे छे बाळकी गुम थई हती तेनो मृतदेह मळी आव्यो छे। हाल शुं विगतो प्राप्त थई रही छे? चोक्कस थी के जे बाळकी गुम थई हती एक बाळकी एनो मृतदेह मळी आव्यो छे, अने बाळकीने शरीर पर एक अजुक्ट होवानो हाल तो પ્રાથમિક શંકા સેવાઈ રહી છે। ત્યારે 18 તારીખે આ બાળકીને ગુમ થયેલી ફરિયાદ બાળકીના માતા પિતાએ પોલીસ સ્ટેશન નોંધાવી હતી, અને પોલીસ દ્વારા આ બાળકીને શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી। સીસીટીવી ડોક્ટર સહિત ફોરેન્સિક ટીમની પણ મદદ લેવામાં આવી હતી, પરંતુ આજરોજ બાળકીનો મૃતદેહ અવાર જગ્યાએ મળી આવી છે। ઘટનાની જાણ થતા જિલ્લા કડોદરા પોલીસ, જિલ્લા એલસીબી, એસઓજી સહિત જિલ્લા પોલીસ વડા ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા, અને બાળકી સાથે મંડપ કે ભરાટ કે કઈ અચિત ઘટના થઈ હોવાનું હાલ પ્રાથમિક કારણ કે પોલીસ દ્વારા હાલ બાળકીનો ફોરેન્સિક પીએમ માટે બોડી મોકલી આપવામાં આવી છે, અને સીસીટીવી સર્વેલન્સ સિસ્ટમને આધારે જે આરોપી છે તેની શોધખોળ હાથ ધરી છે। બિલકુલ નિર્મલ, જાણકારી બદલ આભાર।